आतिफ बंगश मेरा नाम है और इस्लामाबाद में एक मेरी आईटी कंपनी ईआरडी सॉल्यूशंस के नाम से 2006 से काम कर रही है। मैंने बहुत सारे ऑनलाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, अल्लाह का शुक्र है उसमें काफ़ी कामयाबियाँ हुई, तो कुछ नाकाम भी हुए। लेकिन यह है कि आपको पता है कि जैसे कि ऑनलाइन बिजनेसेस में हम तैयार होते हैं किसी भी किस्म के रिजल्ट्स के लिए। और ये जो सर्विस जिस वेबसाइट पर आप इस वक्त मौजूद हैं, इस्लामाबाद प्रॉपर्टी डॉट पी के, बेसिकली हमने 2018 में इसको इनिशिएट किया था और 2018 से 2019 तक हमने इसको एक अलग स्ट्रेटजी के साथ रन किया। वो स्ट्रेटजी भी काफ़ी कामयाब हुई, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ एक भेड़ चाल होती है और लोग जो हैं वो एक ही सक्सेसफुल बिजनेस जो इस वक्त टाउन में होता है उसी के पीछे भाग रहे होते हैं, और इसमें कोई ऐसा बुराई भी नहीं है। लोग सिक्योरिटी चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि जहाँ से उनको रिजल्ट आ रहा है उस पे ज़्यादा वो चीज़ जा रही होती है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब आप एक ही कंपनी या कंपटीशन क्रिएट नहीं करते और प्लेयर्स को मार्केट में नहीं आने देते, तो आप फिर शिकार हो जाते हैं मोनोपोलीज़म का। उससे क्या होता है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर होता है वो फिर आपको एक एक लेवल के बाद एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है और आपको हैवीली चार्ज करना शुरू कर देगा, रिजल्ट्स आए या ना आए। लेकिन वो पूरी तरह से मार्केट में कैप्चर कर चुका होता है, उसके कॉम्पिटिटर्स उस लेवल तक पहुँचे हुए नहीं होते, इस वजह से वो आपको सर्विस नहीं दे सकते और आपको फौरी रिजल्ट्स नहीं आते। तो इस वजह से आप कभी भी इस किस्म का बिजनेस को सपोर्ट ना करें। बहुत सारे मीडियम्स होते हैं ना, कि जैसे टीवी है, इंटरनेट है, और हर हर जगह पे आप रेडियो है, वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया है, ये सब आपके लिए बनाए गए हैं और आपके मार्केटिंग के लिए बनाए गए हैं, और इन सब को मौका दें। और इस तरह बहुत सारी जो कंपनियां दूसरी आएंगी, इस्लामाबाद प्रॉपर्टी डॉट पी के है, इस तरह और भी बहुत सी मैं देख रहा हूँ कि हैं बहुत सारे लोग नए नए आइडियाज़ के साथ ऑनलाइन प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज को ऊपर ला रहे हैं। लेकिन होता उनके साथ यही है, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द सेगमेंट है प्रॉपर्टी डीलर्स का, एजेंट्स का या बिल्डर्स का, वो बस ये सोच के बैठ चुके हैं कि एक ही कंपनी है जो हमें लीड्स देगी। मैं ये नहीं कहता कि वो लीड्स नहीं देगी, वो भी लीड्स देगी और एक एक लेवल तक वो आपको ज़्यादा लीड्स देगी, लेकिन आपने उस मार्केट लीडर को भी कंट्रोल करना है। टू किस तरह कंट्रोल करना है, एक एक मुसबत एक पॉजिटिव कंपटीशन क्रिएट करके, ताकि लोग उसी किस्म के और प्लेटफॉर्म्स भी क्रिएट कर सकें आप लोगों की खातिर। जिससे देखिए, यूज़र ऑनलाइन कई तरफ से जा रहा होता है, ठीक है, कभी वो किस वेबसाइट पे जा रहा है, कभी किसी वेबसाइट पे जा रहा है, अगर उसको कंटेंट आपका ही मिलता जा रहा है तो वो आपकी रेपुटेशन बढ़ती जा रही है। जैसे कि होता ही है कि जैसे एक एक बड़ी सड़क है जिस पे आपने बिलबोर्ड लगा दिया, तो जब एक ही सड़क पे बिलबोर्ड लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि आपने मार्केटिंग कर दी। ऐसा नहीं होता, आपको दूसरी जो रोड्स हैं, दूसरी जो मार्केट्स हैं, उनमें भी अपने बैनर्स और अपने पोस्टर्स लगाने होते हैं। ये मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट साइट्स हैं उनको भी ज्वाइन कीजिए और उन उनमें भी अपने एड्स को पोस्ट कीजिए, ताकि वहाँ से भी आपको रिस्पांस मिलता जाए। अगर वो एक ही सड़क पे सारे लोग बैनर्स लगाने शुरू कर देंगे तो हो सकता है कल को वो सड़क पे चलने की भी कीमत लेना शुरू कर दें। तो मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझाना है कि मोनोपोली ना क्रिएट होने दें, दूसरे प्लेयर्स को, दूसरे लोगों को, दूसरे बिजनेसेस को बेहतर आइडियाज़ के साथ इस आपकी जो हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसमें आने दें। वो फ़ायदा इन एनी केस इन एन ऑल द वेज आपका ही है ना, कि आपके लिए एक प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। तो मैं इस वक्त ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो इसी वजह से कर रहा हूँ कि मैं आपको अपना बेसिक प्लान बता सकूँ कि
वो हमने टिप नॉट पीके का पहला वर्जन था। उसके बाद फिर अब हमने इसको अब बेसिकली आप लोगों की तरफ फेंक रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी एजेंट्स और एजेंसीज हमें ज्वाइन कर लें और वो इस ये इतनी इकोनॉमिकल हो कि आप लोगों को इसके ऊपर इसको ज्वाइन करने में पता भी ना लगे कि ये बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसेस आ रहे हैं, और सिंपली वो फैलती जाए और वो बढ़ती जाए ताकि हमारे पास रिसोर्सेज, हम जो मार्केटर्स हैं ऑनलाइन, हमारे पास रिसोर्सेज एक बल्क में आना शुरू हो जाएं, जिससे हम अपनी एक ही वेबसाइट को प्रमोट करना शुरू कर दें। जिस अगर हम उसको प्रमोट करेंगे तो क्या होगा कि अल्टीमेटली आपका कंटेंट प्रमोट हो रहा होगा। तो हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो अब हमने इसको रीलॉन्च किया है बिल्कुल ब्लैंक पेज से, वाइट पेज से, और ये कोई नया आइडिया नहीं है, वही आइडिया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप इसको ऑन करें। तो इसकी एक तो कीमत और इसकी जो सब्सक्रिप्शन है हमने बहुत नॉमिनल रखी है कि जिससे इजीली जो छोटे से छोटा जो एजेंट है गली महल्ले में बैठा है वो भी इसको अफोर्ड कर सके, और जो बड़े लोग हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर आ रहे हैं तो वो भी, उनके लिए भी ये पीनट्स हो, लेकिन एक प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाए एक जो बिल्कुल इजी टू यूज़ हो, ठीक है, जिसमें आप अपने तौर पे कमांड कर रहे हैं। तो इसमें हमने कुछ महीने पहले इसको इसकी एक प्री लॉन्च किया और उसमें हमने मार्केट से के 100 लोगों को हमने दावत दी कि वो हमारे परमानेंट मेंबर एज अ फाउंडर मेंबर इसको ज्वाइन कर लें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें एक अच्छी मेंबरशिप डेवलप हो जाएगी जिनसे हमें जेन्युइन और सही एड्स मिलना शुरू हो जाएंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, और हमारे पास एक माकूल रकम जमा हो जाएगी जिससे हम इसको लॉन्च कर सकेंगे, इसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकेंगे। कॉन्टेंट किसका है? आपका है, फैला रहे हम हैं आप ही के पैसों से, और एक प्लेटफॉर्म हो रहा है। जाहिर सी बात है बिज़नेस एस्पेक्ट्स हर तरीके से होते हैं, हमारे पास भी हैं, आपके लोगों के भी होंगे, लेकिन हम एक इसको बिल्कुल इजी तरीके से लेके चलना चाहते हैं। और फिर क्या हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह इसको लोगों ने, हमारा जो इनिशियल आइडिया था उसको पसंद किया और बहुत सारे लोगों ने हमें एज ए परमानेंट मेंबर अपना ख्वाहिश जाहिर कर दी कि वो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। परमानेंट मेंबर से मेरी मुराद ये है कि आप एक दफ़ा हमें एक छोटी सी अमाउंट, जिसकी अमाउंट अभी इतनी है, हो सकता है इन फ्यूचर में जाके जो लाइफ टाइम फाउंडेशन मेंबरशिप है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, और उसमें आप एक कंट्रीब्यूशन करें और हमें ज्वाइन कर लें। इसमें आप अपने एड्स डालना शुरू कर दें ताकि हम इसको एक अच्छे तरीके से लॉन्च कर सकें। होता क्या है, देखें फ्री चीज़ तो दुनिया में कोई भी नहीं है। बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं कि जी फ्री छोड़ दें फ्री। अब अगर आपको मैंने इस वेबसाइट पर फ्री का आदि कर दिया तो मैं अगर एक साल के बाद भी थोड़ी सी सब्सक्रिप्शन मांगूंगा तो आप लोगों को बुरा लगेगा। तो इस वजह से ये तो मेरा हक है कि मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं कुछ ना कुछ उसके बस आपसे डिमांड करूँ। तो इसलिए ये साइट अब ऑन है। इसकी जो दो वेबसाइट्स हैं, बेसिकली दो URLs हैं, एक हमने अभी बिल्कुल अलग रखा हुआ है islamabadproperty.com.pk, जिस पे आपको अभी सिर्फ लाइफ टाइम मेम्बरशिप जो लेने का तरीका है वो नज़र आ रहा है, और इस्लाम जो हमारा मेन कंपनी बिजनेस नेम है, ट्रेडिंग नेम है, दैट इज़ islamabadproperty.pk, वो साइट हमने लॉन्च कर दी है, और उसमें हमने किसी किस्म का फ्रॉम द स्टार्टिंग कोई फेक एड नहीं लगाया, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि आप लोग ही जेन्युइन एड पहला भी लगाएं, ठीक है। तो इसमें अब हम जिन लोगों ने हमें एज ए लाइफ टाइम मेंबर
ज्वाइन किया हुआ है ऑलरेडी, अराउंड 30-35 लोग हैं वो, तो उनको हमने इनविटेशन भेज दिया है कि अब वो अपना स्टार्ट करें इसमें पोस्टिंग करना अपने जो भी उनके पास रियल इस्टेट की डील्स मौजूद हैं, तो वो इंशाल्लाह करना शुरू कर देंगे। और अभी स्टिल इसमें लाइफ टाइम मेंबरशिप की अपॉर्चुनिटी मौजूद है, क्योंकि हमने इसका स्ट्रेटजी यही है कि हमें 100 इन एनी केस चाहिए, जिनमें से रोज़ाना की बुनियाद पर इसमें कोई अच्छा मुस्बत कंटेंट डलता रहे। और उसके बाद जब ये हम मुकम्मल तौर पे लॉन्च कर देंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके बाद जो यही फीस है वो एक रेगुलर मेंबरशिप बन जाएगी, इन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने हमारा अभी साथ दिया है और इसको ज्वाइन किया है। वो तो हमारे अब जब तक के वो प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस में है वो हमारे मेंबर रहेंगे, हम उनको प्रमोट करते रहेंगे, उनके एड्स को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन उसके बाद जो लोग हमें इस लाइफ टाइम मेम्बरशिप जब ख़त्म हो जाएगी 100 लोगों के ज्वाइन करने के बाद, तो जो लोग हमारे पास आएंगे वो फिर हमें क्वार्टरली कुछ सब्सक्रिप्शन दिया करेंगे। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा और हमारे पास एक फंडिंग आती रहेगी जो हम इसी पे लगाते रहेंगे, और हम अपनी टीम भी डेवलप करते जाएंगे और अपनी इसकी मज़ीद बेहतर सर्विसेज की तरफ जाते रहेंगे। ये छोटा सा आइडिया, और इसमें पावर आप लोग हैं, आप लोग हम पे एतमाद करें और इसको ज्वाइन करें। मेरी टीम इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में हमारा ऑफिस है, हम आईटी के हवाले से ERT सॉल्यूशन मेरी कंपनी है बेसिकली, और वो 2006 से काम कर रही है और अराउंड 600 क्लाइंट है हमारे पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं। मैं इस वक्त भी मुल्क से बाहर हूँ तो, लेकिन ये पूरा प्लान हम यहाँ वहाँ पे चला रहे हैं और रीलॉन्च करने लगे हैं। तो इसमें भरपूर हमारा साथ दें, इसको ज्वाइन करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो इस वेबसाइट पे लिखा हुआ है, और मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन एनी केस, और कोई क्यूरी हो, कोई चीज़ पूछनी हो, मुझे आप डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैं ऑनलाइन रहता हूँ, या मेरे जो ब्लू एरिया में मेरा ऑफिस है वहाँ भी आप जा सकते हैं, वहाँ भी पूछ सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग टिपिकली एक ऑनलाइन कंपनी है, तो हम चाहते हैं कि जितना भी हमारा और आपका रबता हो वो ऑनलाइन हो। तो इस तरह ये बिज़नेस चलेगा, जितना भी हम फिज़िकल होते जाएंगे, जितना हम फेस टू फेस होते जाएंगे, तो हमारा जो बिज़नेस आइडिया है वो डिस्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। हम चाहते हैं कि आपसे हम जुड़े रहें ऑनलाइन हर वक्त 24 घंटे 7 डेज अ वीक। तो और आपके जो आप लोग इसमें प्रमोट अपने एड्स वगैरह पोस्ट कर रहे हो, हम उनकी प्रमोशन पे अपना टाइम सर्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि हमारा ये जो माइलस्टोन है 100 फाउंडेशन मेंबर्स का, ये कब पूरा होता है, और अब चलते हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर इंशाल्लाह बात होती रहेगी, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।